बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के तमाम इन्फेक्शियस पैथोजन के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के जरिए आपने सिनेरियो को डायग्नोस करना है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के जरिए आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के जरिए ही आपने क्लिनिकल वार्ड्स के अंदर डायग्नोसिस बनाना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोआ, नेमाटोड वगैरह, इन सबको कवर करने वाले हैं। एक बात आपको पहले से बता था, जो कि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, लाइक पहले माइक्रोस्कोपिक होती है, फिर कल्चर होती है, फिर इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट होती है और लास्ट में आ जाती है कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जो सी पार्टिकुलर स्पेसिफिक होती है। बैक्टीरिया के अंदर ग्राम स्टेनिंग ज़्यादा होती है, वायरसेस के अंदर पीसीआर एलिसा बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, जब आप फंजाई की तरफ आओगे तो फंजाई के अंदर माइक्रोस्कोपिक 10% KOH आएगा, सेबराइड आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आएगा। जब पैरासाइट की तरफ आओगे तो पैरासाइट्स के अंदर एग्स आ जाएगा, ट्रोफोसाइट आना शुरू हो जाएगा, कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं। और कुछ स्पेशलाइज टेस्ट यानी किसी पार्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो आपने इनको खास तौर पे याद करना है, ठीक हो गया। बाकी आप सीरोलॉजिकल टेस्ट स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो हर एक इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टाफिलोकोकस ओरियस ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो पहले माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक क्लस्टर होगा। कल्चर करके तो कल्चर करने के ऊपर कैटलेस पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, गोल्डन येलो कॉलोनी बनती है जिसको स्टाफिलोजेंथिन कहते हैं, ठीक है। स्टाफिलोजेंथिन पिगमेंट की वजह से बनती है। बीटा हिमोलिटिक है, मैनिटोल फर्मेंटेशन करता है। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उसकी आप डायग्नोसिस किस तरह से करोगे, तो वहां पर टी यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन है, इसको आप आइसोलेट करते हो, एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट को देखते हो। इसके बाद स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिस और स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटी है कि तीनों के तीनों ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं, और इन तीनों के अंदर देखोगे तीनों के अंदर कैटलिस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन स्टाफिलोकोकस ओरियस के अंदर गोल्डन कॉलोनी बनती है, इसके अंदर व्हाइट कॉलोनी बनती है, कोगुलस नेगेटिव होते हैं, वो बीटा हिमोलिटिक का, ये नॉन हिमोलिटिक होते हैं यानी गामा हिमोलिसिस होती है। लेकिन इन दोनों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरोबायोसिन है, ठीक है। तो जो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिस होता है न्यूरोबायोसिन सेंसिटिव होता है, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस न्यूरोबायोसिन रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ। अब स्टाफिलोकोकस पूरे हो चुके हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर एक बात अपने रट्टा मारनी है कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं, चेन्स के फॉर्म में होते हैं, ओके, और इनके कल्चर के अंदर कैटलिस्ट नेगेटिव होगा। अब जो बीटा हिमोलिटिक वाली है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन और स्ट्रेप्टोकोकस साइक्लेक्टाई होता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है, इसको गैस भी कहते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन और स्ट्रेप्टोकोकस साइक्लेक्टाई में फर्क ये होता है कि पहली बात दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ग्राम पॉजिटिव चेन होती है, दोनों कैटलिस्ट नेगेटिव होती है, दोनों बीटा हिमोलिटिक होते हैं। लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है ग्रुप ए है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस साइक्लेक्टाई ग्रुप बी के अंदर आता है। अब ग्रुप ए और बी ये लैंसेट फील्ड ग्रुप होते हैं, ओके। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन एंटीबायोटिक बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस साइक्लेक्टाई बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस साइक्लेक्टाई है हिपोरेट की हाइड्रोलिसिस भी कर लेता है। इसके लिए कोर्स स्पेसिफिक टेस्ट भी है, वो है कैंप टेस्ट होता है, जिसको आप साइक्लिक एएमपी से भी रट्टा मार सकते हो, ठीक है। ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि शीप ब्लड एगर के ऊपर हिमोलिसिस वगैरह करना शुरू कर देती है, जब हम स्टाफिलोकोकस ओरियस के बीटा हिमोलिसिन के साथ कंबाइन कर देते होते हैं, ठीक है। जबकि उसके रैपिड टेस्ट के अंदर लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट है, और याद करना कि लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट ये वो टेस्ट होता है जो काफी सारी बैक्टीरिया के कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस का जो कैप्सूल होता है उसको डिटेक्ट करता होता है, और कैप्सूल के स्वेलिंग को क्विलिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल की तरफ आते हैं, तो ASO टाइटर इन द रूमेटिक फीवर और NTDNS बी टाइटर इन द स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना याद करो क्योंकि भूल जाने हैं, लेकिन रूमेटिक फीवर के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है ASO टाइटर अलील स्पेसिफिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। चलो स्किन इन्फेक्शन के अंदर यानी इम्पैटिको के अंदर NTDNS बी टाइटर होता है। इसके बाद चलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई की तरफ। जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई है माइक्रोस्कोपिक है, ग्राम पॉजिटिव चेन होती है, कैटलिस्ट नेगेटिव है, बीटा हिमोलिटिक होता है, बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होता है, हिपोरेट की हाइड्रोलिसिस करता है। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, वो है कैम टेस्ट होता है। कैम टेस्ट का मतलब है कि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि हिमोलिसिस करती है, होता है शीप ब्लड एगर है। इसके बाद एंटीरोकोकाई की तरफ चलते हैं, तो एंटीरोकोकाई ग्रुप डी से बिलोंग करते हैं, जबकि ग्रुप डी में स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भी आता है। जो एंटीरोकोकाई वो फिसारिस और फीसियम भी हो सकते हैं। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ग्राम पॉजिटिव चेन है, कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं, इसके अलावा अल्फा और गामा हिमोलिटिक होती है, ये बात तो सिमिलैरिटी है। लेकिन अब जो डिफरेंस आने वाले हैं वो ये डिफरेंस है कि जो एंटीरोकोकस फीसियम है 6.5% NaCl के ऊपर ग्रो नहीं करता, लेकिन एंटीरोकोकस फेसालिस ग्रो करता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ग्रो नहीं करता 6.5% NaCl के ऊपर। बाकी दोनों 40% बाइल एस्क्यूलिन एगर के ऊपर ग्रो करते हैं, और यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट लिखा हुआ है, तो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब ग्रुप डी भी हो गया, ओके, ग्रुप ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी में कोई भी नहीं आता। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन
और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन है ग्राम पॉजिटिव चेंज होते हैं, लेकिन जो लैंसर शेप डिप्लोकोकाई है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। कल्चर करें तो दोनों कैटलिस्ट नेगेटिव है, लेकिन 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 जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन है, विरिडियन वाले बाइल इनसॉल्युबल होते हैं ओके, और ऑप्टोजेन से रेजिस्टेंट होते हैं, ऑप्टोजेन से इनहिबिटर नहीं होते, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑप्टोजेन से इनहिबिट होता है और बाइल इनसॉल्युबल होता है। इसके लिए भी कुछ रैपिड टेस्ट होते हैं, और याद करना कि जो कुछ रैपिड टेस्ट थे लैक्टिक एग्लूटिनेशन के लिए थे। मैंने आपको कहा था कि जो लैक्टिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के लिए होता है। लाइक अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर लैक्टिक एग्लूटिनेशन टेस्ट कहाँ पे बताया था, एक लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के अंदर था, ठीक है ओके, पायोजीन हो गया। इसके बाद अब आ जाओ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो उसके पास भी होता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। तो मेनिनजाइटिस में लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और निमोनिया के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर यूरिनरी एंटीजन होता है ओके, जो कूलिंग रिएक्शन होता है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की स्वेलिंग होती है। अब सेकंड चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, निज़ेरिया मेनिनजाइटिस और निज़ेरिया ग्नोरिया। इसके लिए वाटर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेनिनजोकोकस है माइक्रोस्कोपिक देखा जाए तो दोनों ग्राम नेगेटिव किडनी शेप डिप्लोकोकाई होती है, लेकिन लेकिन जो निज़ेरिया मेनिनजाइटिस या मेनिनजोकोकस होता है स्पाइनल फ्लूइड के समीर में देखने को मिलता है, जबकि गोनोकोकस होता है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल के अंदर देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली मेल की यूरेथ्रल डिस्चार्ज और फीमेल के अंदर वो वजाइनल डिस्चार्ज होती है, लेकिन फीमेल के अंदर हमें कल्चर से कंफर्म करना पड़ता है, मेल में कंफर्म हो जाता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। अब रैपिड टेस्ट क्या होते हैं, निज़ेरिया मेनिनजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन तीनों के लिए लैक्टिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं, और जो क्वीनिंग रिएक्शन होता है ये मेनिनजोकोकस के लिए नहीं होता, बाकी इन दोनों के लिए तो होता है। सीरोलॉजिकल के अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है जिसको याद ना करना। कैटालेज के अंदर ऑक्सीडेज पॉजिटिव, दोनों ही ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन लेकिन जो माल्टोज के फर्मेंटेशन और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन मेनिनजोकोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ गोनोकोकस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करता है। इसके लिए एक स्पेशलाइज मीडियम होता है, थेरमार्टन मीडियम होता है। अच्छा, कल्चर के लिए दोनों हम करते हैं चॉकलेट के ऊपर, लेकिन वही इस केस में करते हैं जब हम इनको आइसोलेट करते हैं किसी स्टीराइल मीडियम से, लेकिन अगर हम नॉन स्टीराइल मीडियम से आइसोलेट करते हैं तो फिर हम इनके लिए थेयर मार्टन मीडियम यूज करते हैं, चॉकलेट एगर है, जिसमें एंटीबायोटिक्स होती है, नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। अब कौन सी एंटीबायोटिक होती है, वैनकोमाइसिन होती है, ट्राइमेथोप्रिम होता है, कोलेस्ट्रिन होती है। रैपिड टेस्ट के अंदर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल के अंदर दोनों के अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। इसके बाद आज ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर, अब ग्राम पॉजिटिव रॉड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वैसे उन्हीं को पढ़ूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा है मैं उनको छोड़ दूंगा। माइक्रोस्कोपिक में ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं लार्ज रॉड्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स के विजिबल नहीं होते। कल्चर करने के ऊपर बैसिलस एंथ्रेक्सिस की कोमिट टेल अपीयरेंस आती है, नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज होती है ब्लड एगर के ऊपर, ठीक है। बैसिलस सीरियस के लिए कोई नहीं होता, कोलिस्टिडियम टेटिनी के अंदर भी कोई खास नहीं होता, लेकिन जो इसका सपोर्ट होता है वो टेनिस रैकेट लाता है, टेनिस रैकेट जैसा होता है टेटिनाई का। जबकि बॉसिलियम के लिए माउस प्रोटेक्शन टेस्ट करते हैं, कोलिस्टिडियम परफिरिंजिस के लिए जो स्पेशलाइज टेस्ट होता है, कल्चर करोगे तो फिर एग योक वगैरह उसकी प्रेसिपिटेशन होती है लेसिथिनेस एंजाइम से, और इसके अलावा ब्लड एगर के ऊपर एनारोबिक कल्चर करें तो डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस देखने को मिलती होती है। फूड पॉइजनिंग के लिए कोई नहीं करते, गैस गैंग्रीन के लिए करते हैं, वही होगा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं ओके, और कल्चर के अंदर डबल जोन हिमोलिटिक कॉलोनी है और एग योक की प्रेसिपिटेशन होती है वायल एसिथिनेस। इसके बाद कोलेस्टेडियम डेफिसिल है, तो कोलेस्टेडियम डेफिसिल के लिए करता क्या, स्टूल का सैंपल करते हो, स्टूल के सैंपल की कल्चर कर देते हो, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। कोनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक तो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर लार्ज वी और एल शेप या क्लब शेप रॉड्स होते हैं जिनके पॉलीफॉस्फेट बीड्स होती है, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल को स्टेन करने वाले मिथाइलिन ब्लू होते हैं, जो कि ग्रैन्यूल को तो रेड कर देते हैं लेकिन पूरे सेल को ब्लू स्टेन कर देते हैं। कल्चर के अंदर लॉफलर मीडियम में ब्लड एगर प्लेट है जहाँ नॉन मोटाइल होते हैं, टिलोराइड प्लेट के ऊपर ग्रे ब्लैक कॉलोनी देखने को मिलती है, ठीक हो गया। रैपिड टेस्ट में छोड़ो, सीरोलॉजिकल टेस्ट ये भी छोड़ दो। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन ये भी ग्राम पॉजिटिव है, लार्ज वी या एल शेप के अंदर होती है, क्लब शेप रॉड्स होते हैं, ठीक हो गया, लेकिन पॉलीफॉस्फेट बीड सिर्फ और सिर्फ कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के अंदर होते हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि जो लिस्टेरिया इसके पास टंबलिंग मोटिलिटी होती है, जबकि प्रोटीएस के पास स्वर्विंग मोटिलिटी होती है, और एक और बात भी रट्टा मार लेना कि प्रोटीएस की वजह से स्ट्रोवाइड स्टोन आना शुरू हो जाती है। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। गार्डिनियल वजह जानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके, तो इसके अंदर जो वजाइनल क्लू सेल होती है बस उसको रट्टा मार लेना, 10% के ओएच है, और ये वाहिद बैक्टीरिया जिसके लिए हम 10% के ओएच यूज़ करते हैं, बाकी 10% के ओएच फंजाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पंचन फिशी ऑर्डर होती है वजाइनलिस की वजह से, ठीक है। एक्टिनोमाइसिस इसराइली अभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना ग्राम कल्चर एनारोबिक कल्चर के ऊपर मीडियम पर करेंगे। सीरोलॉजी में इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस सबके लिए है, चाहे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है या ग्राम पॉजिटिव रॉड होती है। सल्फर ग्रैन्यूल है, जबकि नोकार्डिया के लिए वीक एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, एरोबिक कंडीशन के अंदर करता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है कल्चर करने वाला, वो ये है सॉरी सीरोलॉजिकल के अंदर, तो कोल्ड एग्लूटिनिन होती है 1:128 या इससे ज्यादा कोल्ड एग्लूटिनिन होती है, जो कि आरबीसी की 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्लूटिनेशन कर देती है। कल्चर एप्लीकेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत हमें नॉर्मल फ्लोरा ही देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको ऐसा ऐसा पड़ेगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक है, कल्चर है, फिर रैपिड टेस्ट है, फिर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए है, फिर लेटेंट इन्फेक्शन के लिए होता है ओके। तो
स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए दो टाइप की स्टेनिंग होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और उरामीन स्टेनिंग। जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसिड फास्ट होते हैं, लाइक आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरेडियम है, और इसके ओओसिस्ट होते हैं, इसके अलावा नोकार्डिया भी होता है, एसिड फास्ट होता है। तो न्यू वर्जन होती है इसके किन्यून को बोलते हैं, ओल्डर वर्जन को जील नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। इन दोनों को मिला के एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। उरामीन स्टेन को देखने के लिए हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करते हैं, कल्चर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कहने का मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है। तो कौन से कल्चर मीडियम होते हैं, लाइक लोवेंस्टाइन जेंसन मीडियम, मिडल ब्रूक एगर। तो लोवेंस्टाइन जेंसन मीडियम या मिडल ब्रूक एगर के ऊपर 8 वीक से ज़्यादा रखना पड़ता है। लिक्विड बैक्टिक मीडियम है तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड 2 हफ्ते में आना शुरू हो जाती है। और लास्ट है कि नियासिन या कैटेलेस की प्रेजेंस होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो ये तो आ जाती है कल्चर के अंदर, यानी लोवेंस्टाइन जेंसन मीडियम बैक्टिक मीडियम है और कैटेलेस और नियासिन की प्रेजेंस होती है। इसके अलावा कुछ रैपिड टेस्ट होते हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें राइबोसोमल आरएनए या डीएनए का पता चलाते हो। इसके बाद रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए दो टाइप टेस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मॉलिक्यूलर टेस्ट और दूसरा लूसीफेरेज ऐसे होता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट के अंदर कैटेलेस की जीन की म्यूटेशन वगैरह देखी जाती है, ठीक है। तो वो अगर कैटेलेस की जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो डेट मींस आइसोनियाजा रेजिस्टेंस है। अगर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जीन म्यूटेशन आ जाती है तो रिफेम्पिन रेजिस्टेंस है। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसके बाद लूसीफेरेज टेस्ट होता है। लूसीफेरेज टेस्ट का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो ड्रग्स से डैमेज नहीं होगा और नॉर्मल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और एटीपी को देखने के लिए फ्लैशेस ऑफ लाइट का कंपैरिजन यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट और लूसीफेरेज ऐसे होता है। इसके बाद लेटेंट इन्फेक्शन होता है। तो लेटेंट इन्फेक्शन के लिए प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट और ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होता है। जो इंड्यूरेशन होती है या थिकनेस होती है, अगर 15 मिलीमीटर से या उसके बराबर आएगी, इससे ज़्यादा आए तो उसका मतलब कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा आए तो उसका मतलब होमलेस पर्सन है, हेल्थ वर्कर या इंट्रावीनस ड्रग यूज़र है, ठीक है। होमलेस, हेल्थ वर्कर या इंट्रावीनस ड्रग यूज़र है। अगर 5 से आती है, ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है या फिर उसका एक्टिव टीबी वाले पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट है। 5 से 10 मिलीमीटर आती है तो बीसीजी वैक्सीन लगाई हुई है। इसके बाद इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे होता है, IGR, ठीक है। तो इसमें क्वांटिफिरोन टीबी का गोल्ड टेस्ट होता है, इसके अलावा टी सपोर्ट टीबी वगैरह के लिए, ठीक है। इसके बाद जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट और इसके अलावा दूसरा टेस्ट लिखा हुआ है, उसका नाम है इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे टेस्ट। ये इवैल्यूएट करते हैं फॉर एक्टिव डिजीज, ठीक हो गया। और इसको इवैल्यूएशन होती है चेस्ट एक्सरे से और स्पोटम के सैंपल से हम इसकी इवैल्यूएशन कर सकते होते हैं। अब चलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, इसके भी लेबार्टो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्कोपी करोगे तो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, निजल स्क्रैपिंग की या स्किन लेयर्स की। ट्यूबरक्युलर लेप्रोसी के अंदर ग्रैनुलोमा होता है, कुछ ही बैसिलाई होती है, लेकिन लेप्रोमेटस के अंदर लिपिड लिडन फोमी हिस्टियोसाइट होती है, बहुत सारी बैसिलाई होती है। कल्चर एप्लीकेबल नहीं होता। सीरोलॉजी में अगर बात करते हैं तो फिर IgM होती है, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1 के अगेंस्ट, यानी लेप्रोमेटस के अंदर IgM होती है। रैपिड टेस्ट में PCR वगैरह आ सकते हैं, लेकिन साइफिलस के अंदर फाल्स पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का रट्टा मार लो कि इसकी जो कल्चर होती है वो हीटेड चॉकलेट ब्लड एगर होती है, फैक्टर 10 और फैक्टर 5 ऐड करना पड़ता है। फैक्टर 5 को एनर्जी और फैक्टर 10 को हीम कहते हैं। डेफिनेटिव टेस्ट के अंदर बायोकेमिकल टेस्ट और कैप्सुलर स्वेलिंग होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीरोलॉजिकल में लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट है, वही कैप्सूल वगैरह के लिए। इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, ठीक है। इसके बाद बोर्डेटेला पर्टुसिस है। बोर्डेटेला पर्टुसिस की जो कल्चर होती है वो बोर्डेड गैंग्यू मीडियम में होती है, जिसमें परसेंटेज ब्लड की काफी ज्यादा होती है। बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट उनको छोड़ दो। रीजनल नीमोफिला की चारकोल यीस्ट टाइगर के ऊपर होती है, जिसमें आयरन और सिस्टीन काफी ज्यादा होता है। बाकी सीरोलॉजी में इम्यूनोफ्लोरेसेंस और यूरिन एंटीजन टेस्ट है। स्पूटम के अगर देखो तो स्पूटम के अंदर न्यूट्रोफिल बहुत सारी होती है, लेकिन बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ओके। इसके बाद हम चलते हैं काइंटोबैक्टर बोमानिक्स के लिए, कुछ नहीं होता। ब्रुसीलिया के लिए भी स्पेशलाइज कुछ भी नहीं है। यर्सिनिया पेस्टिस की जो होती है स्टेनिंग, तो जिम्सा या वेसन स्टेनिंग होती है, जहाँ पे बाइपोलर स्टेनिंग होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पास्टोरेला माल्टोकिडा में ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ब्रुसीला हैंसली कैट्स का डिजीज कराता है, इसके लिए जो स्टेन होती है वो वार्थिन स्टेरी होती है, वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेन होती है। प्लियोमॉर्फिक रॉड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बार्टर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, इसको आइसोलेट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के डिफरेंट होती है। प्राइमरी के अंदर डार्क फील्ड और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होती है, टर्शियरी के अंदर सिल्वर स्टेनिंग होती है और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होती है। सीरोलॉजी की बात करते हैं तो सीरोलॉजी में नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं तो वो फ्लॉकुलेशन टेस्ट होते हैं। फ्लॉकुलेशन टेस्ट के अंदर नॉन ट्रिपोनिमल एंटीजन यूज करते हैं फॉर IgG और IgM, तो VDRL और RPR होता है, जबकि स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर ट्रिपोनिमल एंटीजन यूज करते हैं, जिसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस FTABS आता है और हीमाग्लूटिनेशन, जिसमें TPHA और MHA-TP आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बुरेलिया बर्गडॉर्फोरी और बुरेलिया रिकरेंटिस। तो बुरेलिया बर्गडॉर्फोरी की जो ये स्पायरोकीट्स है, तो उनकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी तो रट्टा मार लो सिल्वर स्टेन, और याद करना कि सिल्वर स्टेन टर्शियरी साइफिलस के अंदर करते थे, डायरेक्ट वगैरह तो हो जाते हैं। आगे क्लैमिडिया है, क्लैमिडिया के इतनी इंपॉर्टेंट
चलो देख लेते हैं क्लैमिडिया। तो क्लैमिडिया के माइक्रोस्कोपी करोगे तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है, जिम्सा या मिनोफ्लोरेसेंस के अंदर, कल्चर के अंदर साइक्लोहेक्सामाइड और आयोडीन ऐड करते हैं फॉर ग्लाइकोजन। तो अगर इंक्लूजन ग्लाइकोजन के साथ मिल रही है तो वो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है, अगर इंक्लूजन विदाउट ग्लाइकोजन है तो उसका मतलब क्लैमिडिया सिटिका या क्लैमिडिया न्यूमोनिया ही है। ठीक है, बाकी रिकेट्सिया के लिए इतने खासा खास नहीं है, व्हील फेलिक्स टेस्ट उसको याद कर लेना। अब आ जाती है सबसे मेजर लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाला, वो है ई कोलाई और टाइफाइड फीवर। इनके इन्फेक्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनके सिनेरियो भी बहुत आने हैं। विब्रिया कॉलरा इसका भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ई कोलाई से। तो ई कोलाई का पहले कल्चर करोगे ब्लड एगर के ऊपर, मैं कौन की एगर के ऊपर लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देखने को मिलती है, ईओसिन मिथाइलिन एगर के ऊपर ग्रीन शेन कॉलोनीज होती है। ठीक है, टीएसआई एगर के ऊपर स्लांट और स्लांट और बट दोनों एसिड होता है, गैस प्रोड्यूस करते हैं लेकिन H2S प्रोड्यूस नहीं कर सकता ई कोलाई। ठीक है, इसके अलावा जो लैक्टोज फर्मेंटर है वो क्लेब्सिला एंटीलोबैक्टर और ई कोलाई होती है। डिफरेंस फ्रॉम द अदर लैक्टोज फर्मेंटर ग्राम नेगेटिव, तो चार इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहले मोटिलिटी है, लाइसिन की डीकार्बोक्सिलेशन करता है, एसिटेट को वन कार्बन सोर्स के तौर पर यूज करता है और ट्रिप्टोफैन से डोल को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो एंटीलो हेमरेजिक स्ट्रेन होती है O157H17 जो कि हैम बर्गर की ईट करने की वजह से होती है, तो वो सॉर्बिटल को फर्मेंट नहीं करती। इसके बाद साल्मोनेला है, तो साल्मोनेला के अंदर जो टाइफाइड फीवर करवाता है तो साल्मोनेला टाइफी H2S को प्रोड्यूस करता है, गैस वगैरह भी प्रोड्यूस कर देता है। तो सैंपलिंग वगैरह पहले देख लेते हैं, यानी आपने सैंपल कहां से लेना है। तो एंटीरो कोलाइटिस, यानी जो एंटीरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन इन्फ्लेमेशन ना कोलन की इन्फ्लेमेशन है, तो स्टूल सैंपल आपने से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है। टाइफाइड के अंदर फर्स्ट टू वीक्स में, पहले दो वीक्स के अंदर ब्लड कल्चर और उसके बाद दो हफ्तों के बाद आपने क्या यूज करना है, स्टूल का कल्चर यूज करना है। डायग्नोसिस के अंदर जो कल्चर होता है ब्लड एगर है, मैकॉन की एगर है, ठीक है, ब्लड एगर बिल्कुल ई कोलाई वाली है, मैकॉन की एगर ईओसिन मिथाइलिन ब्लू और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। तो वहां पर आपको अल्का वाला निमोनिक याद कर लेना, अल्कलाइन स्लाइंट और एसिड बट होता है, गैस और H2S प्रोड्यूस करता है, साल्मोनेला टाइफी से H2S प्रोड्यूस करता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में वायरल टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाता है। शिगेला के वैसे नहीं है, एक बार रटा मार लेना कि ग्राम नेगेटिव रॉड एंटेरिक के अंदर पहले कल्चर के अंदर हमेशा ब्लड एगर होगा, फिर इसके बाद में कौन की या फिर आपने ईओसिन मिथाइलिन ब्लू और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, इसको तो रटा मार लो सकती हो। ठीक है, ओके, तो अल्का वाला निमोनिक शिगेला और साल्मोनेला दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। सीरोलॉजी में स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होती है। विब्रियो कॉलरा की जो एपिडेमिक होती है उसकी क्लिनिकल जजमेंट करती है एपिडेमिक के अंदर, लेकिन जो एंडेमिक होती है पार्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वहाँ पर TTG या TCB यूज करते हैं। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल आइगर, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल आइगर या टेलोराइड टोराकोलेट जिलेटिन एगर यूज करते हैं। स्पोरेडिक केस में कल्चर करोगे वही चार पॉइंट है, ब्लड एगर में कौन की TSI ओके और लास्ट में ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस इस 8% NaCl के ऊपर ग्रो करते हैं, बाकी वो नहीं कर सकता, 6.5% NaCl के ऊपर एंटीरोकोकस फेसालिस वगैरह ये सारे ग्रो करते थे। इसके बाद चलते हैं हम कंपाइलोबैक्टर जुजनाई, इसके भी इंपॉर्टेंट है। कंपाइलोबैक्टर जुजनाई यूरिया नेगेटिव होता है, नेलेडिक्सिक एसिड से सेंसिटिव होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इंक्यूबेशन करते हैं माइक्रो एरोफिलिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गया, डायरिया के अंदर भी हम ब्लड कैंपी एगर करते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर ब्लड कल्चर जिसमें कर्व्ड रॉड देखने को मिलता होता है। ओके, जो कंपाइलोबैक्टर जुजनाई या 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर माइक्रो एरोफिलिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करता है जिसको कोप्नोफिली कहते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है लेकिन नेलेडिक्सिक एसिड से सेंसिटिव होता है, यूरिया नेगेटिव होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लेब्सिला एंटीरोबैक्टर सीरेशिया है, तो मैकॉनकी वगैरह, तो जो क्लेब्सिला होता है लैक्टोज की फर्मेंटेशन करेगा, एंटीरोबैक्टर भी लैक्टोज की फर्मेंटेशन करेगा, जबकि सीरेशिया लैक्टोज की स्लो फर्मेंटेशन करता है, कलरलेस कॉलोनीज आती है। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट पर देखते हैं तो क्लेब्सिला और एंटीरोबैक्टर इन दोनों के केस में एसिड स्लांट एसिड बट होगा, गैस को प्रोड्यूस करेगा, H2S प्रोड्यूस नहीं करते, यानी ईकोलाई जैसा है सीरेशिया में अल्कलाइन स्लांट एसिड बट होगा, बिल्कुल शिगेला जैसा है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीएस प्रोविडेंसिया मॉर्गिनिला ग्रुप, तो जो इंडेल पॉजिटिव होता है वो प्रोटीएस मिराबिलिस नहीं होता, यूरियस पॉजिटिव होते हैं ये सारे। ठीक है, जो ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के अंदर अल्का वाला निमोनिक है, गैस को H2S दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओनली प्रोटीएस मिराबिलिस और प्रोटीएस वुलगैरिस होती है। ठीक है, साल्मोनेला और प्रोटीएस इन दोनों के पास ये प्रॉपर्टी होती है, बाकी मैकॉनकी और ईओसिन मिथाइलिन ब्लू के ऊपर इनकी फर्मेंटेशन नहीं होती। सोडोमोनास एरिजिनोसा मैकॉनकी ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट और न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर ब्लड ग्रीन पिगमेंट आता है। बैक्टीरियोइड कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ फॉर बैक्टीरियोलॉजी है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट MCQ फॉर बैक्टीरियोलॉजी है। कंजक्टिवाइटिस का कॉज क्या होता है, तो इसका निमोनिक है, यानी निमोनिक नहीं, ओवरऑल अगर बात करें तो कंजक्टिवाइटिस और स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। बच्चों के अंदर स्टाफिलोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। इस कंजक्टिवाइटिस को कभी कभार हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर लिख लेते हैं। चलो, स्टाफिलोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और इन्फेंट के अंदर गोनोकोकस और क्लाइमेडिया होता है। ठीक हो गया, ओके, इन्फेंट के अंदर भी हो गया, चिल्ड्रन के अंदर भी हो गया। फोलिकुलाइटिस और कार्बंकल स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। एम्पेटिको स्टाफिलोकोकस ऑरियस पायोजिन की वजह से होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यंग वुमन के अंदर ईकोलाई की वजह से होती है, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की वजह से होता है। सेलुलाइटिस और एरिसिपिलास स्टाफिलोकोकस पायोजिन की वजह से होती है। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया मायोनेक्रोसिस क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन से होती है, स्टाफिलोकोकस पायोजिन से होती है और मरसा से होती है। कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, तो दो महीने से पहले तो स्टाफिलोकोकस एग्लाइटाई ईकोलाई लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन, दो महीने से लेकर दो साल, तो यहां पर वही तीन क्लासिकल बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस निमोनियाई निस्टेरिया मेनिनजाइटिस,
और नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो चुका है, हालांकि वो भी तो मेनिनजाइटिस करवाता है। अच्छा, 2 से लेकर 18 मेनिजेरिया मेनिनजाइटिस है, 18 से ज़्यादा तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे आते हैं, लाइक रिएक्टिव आर्थराइटस, रिएटर सिंड्रोम है, यूरीथराइटस, यूवाइटस, और क्या आता है, यूरीथराइटस, यूवाइटस, आर्थराइटस आ जाएगा। कंपाइलोबैक्टर है, साल्मोनेला होते हैं, कंपाइलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला, ओके। इसके बाद क्लैमिडिया, बोरेलिया, ब्रक्टोरफोरी होता है, फ्रीक्वेंट पैथोजन ऑफ एंटेरिक ट्रैक्ट, तो एंटेरिक ट्रैक्ट तो फ्रीक्वेंट पैथोजन होते हैं, तो उसका निमोनिक होता है CSS, कैंपाइलोबैक्टर, साल्मोनेला और शिगेला, जबकि कैंपाइलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला, ये CSS वहाँ पे भी आ रहा था। और इसके अलावा जो बोरेलिया, ब्रक्टोरफोरी, क्लैमिडिया और यर्सिनिया, ये हम कह सकते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करवा सकते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इकोलाई मेनली इंपॉर्टेंट होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कॉजेस ऑफ निमोनिया, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया, ग्राम नेगेटिव रॉड एंटेरिक से होता है, ठीक है, जबकि कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसके अलावा प्रोटीएस से हो सकता है, क्लैप्सिला से हो सकता है, ग्राम नेगेटिव रॉड एंटेरिक से हॉस्पिटल अक्वायर्ड हो सकता है। अल्कोहल या डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट के अंदर क्लैप्सिला आ जाएगा, न्यू नेट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एगलाक्टाई और इकोलाई आ जाएगा, उसको रट्टा मार लो, ठीक है। इसके बाद है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन भी करवा सकता है, COPD के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड तो सूडोमोनास एरिजिनोसा होता है, एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा से, क्लैमिडिया से, लिजोनिलिया से, कोक्सिला बर्निटिस से होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लेबार्ट्री डायग्नोसिस ऑफ वायरसेस है, तो वायरसेस के लिए लेबार्ट्री डायग्नोसिस क्या होती है, ओके, तो पहला हेपेटाइटिस वायरस, इन सब के अंदर सीरोलॉजी वगैरह होती है, लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस है, पिकोना वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट IgM होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको हेपेटाना वायरस कहते हैं इसमें IgM होती है, ठीक है। IgM किसके अगेंस्ट होती है, HBCG, ओके, कोर एंटीजन के अगेंस्ट, HBsAg और HBsAb होती है, हेपेटाइटिस को डेल्टा वायरस कहते हैं, हेपेटाइटिस डी AB होती है, और हेपेटाइटिस एंटी HBsAg यानी इसको यूज़ करता है, जबकि हेपेटाइटिस सी के अंदर जिसको फ्लैवी वायरस कहते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी को क्या कहते हैं, हेपेटाना वायरस कहते हैं, हेपेटाइटिस सी को हेपी वायरस कहते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडी देखते हो, लिसा वगैरह देख लेते हैं, एडीना वायरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर्पीस वायरस इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबार्ट्री डायग्नोसिस पूछी जाती है। वायरसिला ज़ोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है, जो हर्पीस वायरस है इसके आगे मजीद 6 टाइप होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, टाइप 2, वायरसिला ज़ोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्मन हर्पीस वायरस, और एब्स्टीन बार वायरस होता है। तो ओरल लीगेंस है तो क्लिनिकल ग्राउंड पे कर लेते हैं, एनसेफेलाइटिस के लिए PCR वगैरह करते हैं, जेनिटल इन्फेक्शन के लिए माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर टिजाइन स्मेयर होती है, टिजाइन स्मेयर जिम्सास्टीन को यूज़ करता है, मल्टी न्यूक्लेटेड जॉइंट सेल होती है, ठीक है, ओके। और कॉडरी ए टाइप ए इंट्रा न्यूक्लियर लीगेंस होती है। इसके बाद कल्चर सीरोलॉजी या इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह करते हैं। इसके बाद वेरिसिला हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, सॉरी वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस है, तो यहाँ पे टिजाइन स्मेयर करते हैं, कल्चर है, और एब्स्टीन बार वायरस के लिए सीरोलॉजी होती है, सीरोलॉजी में हीट्रोफेल एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि मोनोसपोर टेस्ट होता है, IgM और IgG एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती होती है। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं वहाँ पर डाउनी टाइप 2 एटिपिकल टी सेल देखने को मिलती है। साइटोमेगालो वायरस में आउल आई शेप इंट्रा न्यूक्लियर लीगेंस होती है, बेसोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर लीगेंस होती है, ठीक है। हर्पीस 6 और 7 को छोड़ो, कैपोसी वायरस का भी याद नहीं करना, पॉक्स का भी याद नहीं करना, पोलियो का कल्चर है, थ्रॉट से, स्टूल से, स्पाइनल फ्लूड से, सीरोलॉजी और रैपिड टेस्ट में PCR हर एक में डाल देना, ठीक है। PCR अलीसा, डेंगू के लिए हिमाग्लूटिनेशन होती है, लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट है, और अलीसा वगैरह आ जाती है। रुबेला के लिए भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरोना का चलो कर लो, कोरोना में माइक्रोस्कोपी का तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूल के स्पेसिमन के लिए लेते हैं, कल्चर है तो नेजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल स्वैब होते हैं, रैपिड टेस्ट में हम RPT-PCR यानी PCR टेस्ट रैपिड में आएगा, सीरोलॉजी में हिमाग्लूटिनेशन टेस्ट और IFA इंटरफेरॉन अल्फा टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, एक्सरे लोबार और मल्टी लोबार बायलैटरल कंसोलिडेशन होती है। इसके बाद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV है, तो HIV के अंदर इन्हें जो अडल्ट होते हैं जो अच्छा इवैल्यूएशन होती है CD4 CD8 टी सेल की रेशियो से, न्यू बॉर्न के अंदर PCR वगैरह करते हैं, अडल्ट के अंदर इनिशियल जो स्क्रीनिंग होती है वो सीरोलॉजिकल एलिसा होता है, लाइक HIV-1 और HIV-2 के अगेंस्ट एंटीबॉडी और P24 एंटीजन को देखते हैं। कंफर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है और वायरल लोडिंग होती है, तो उसके लिए जो रैपिड टेस्ट होता है रैपिड टेस्ट PCR, RT का क्या मतलब है, रैपिड टेस्ट PCR होता है। इसके बाद पैरामिक्सो वायरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेबीज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लेबार्ट्री डायग्नोसिस और पैरासाइट्स है, तो पैरासाइट्स के लिए बार्टर डायग्नोसिस को स्टार्ट करते हैं, तो पहले एंटामाइबा स्टॉलिटिका है, तो एंटामाइबा स्टॉलिटिका की माइक्रोस्कोपिक होती है, तो माइक्रोस्कोपिक में देखो तो ट्रोफोजाइट होती है, डायरेक्ट स्टूल में एक न्यूक्लियस होता है, अमीबा शेप होती है, और इनके ट्रोफोजाइट में RBCs देखने को मिलती है, सिस्ट हार्ट स्टूल में देखने को मिलती है, सिस्ट के 4 न्यूक्लियस होते हैं। सीरोलॉजी में देखो तो अलीसा और इंडायरेक्ट हिमाग्लूटिनेशन टेस्ट, इंडायरेक्ट हिमाग्लूटिनेशन टेस्ट इन्वेसिव अमीबियासिस वगैरह के लिए करते हैं। गार्डियल एब्लिया में ट्रोफोजाइट और सिस्ट होती है, सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होती है, जबकि ट्रोफोजाइट में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला होते हैं, और पेयर शेप होता है, पेयर शेप ट्राइकोमोनास वेजिनालिस भी होता है, ठीक हो गया, ओके।
पे प्लास्मोडियम के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्मोडियम में माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक में जिम्सा स्टेनिंग होती है, थिक और थिन स्मेरिंग होती है। जो थिक स्मेर होती है इसमें ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को चेक करते हैं, थिन स्मेर के अंदर स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो रिंग शेप ट्रोफोजाइट होते हैं आरबीसी में होते हैं प्लास, ओके। तो जो रिंग शेप ट्रोफोजाइट आरबीसी में हो गए, प्लास्मोडियम फाल्सिपारम की गैमेट क्रिएशन शेप होती है, बाकी सबके स्फेरिकल होते हैं। 5% आरबीसी ज्यादा इन्फेक्टेड है तो प्लास्मोडियम फाल्सिपारम है, और ये हीम को मेटाबोलाइज करके हीमाजोइन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। रोमानोवस की स्टेनिंग होती है तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शफनल डॉट्स को करती है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स और प्लास्मोडियम ओवेल में, बाकी पीसीआर अली से सबमिट आते ना। टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डी में जिम्सा स्टेनिंग करते हैं, यहाँ पे भी आपको क्रिसेंट शेप ट्रोफोजाइट देखने को मिलती है, पहले रिंग शेप ट्रोफोजाइट थे, बाकी इंटरफेरॉन अल्फा आईजीएम और आईजीजी वगैरह होती है। निमोसिसर जीरो विकाई है, तो निमोसिसर जीरो विकाई के अंदर माइक्रोस्कोपिक जिम्सा और मेथिनामिन स्टेन होती है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइबेनोसोमा क्रूजा इंपॉर्टेंट है, ओके। थिक और थिन ब्लड फिल्म होती है मास्टिगोड और ट्रिपोमास्टिगोड के लिए, जीरो डायग्नोसिस होता है, ओके। सीरोलॉजी वगैरह होती है, ट्राइबेनोसोमा ब्रूजाई जेबेंजी और ओडेंजी, तो इनके लिए भी थिक और थिन ब्लड फिल्म होती है। वहाँ पर ए मास्टिकोड और ट्रिपो मास्टिकोड दोनों था, यहाँ पर सिर्फ ट्रिपो मास्टिकोड होगा। इसके अलावा स्पाइनल सैंपल के अंदर प्रोटीन लेवल बढ़ जाता था, वो लेट एनसेफलाइटिक स्टेज में होता है। लिश मैंने डोना वाने के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते तो बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर ए मास्टिकोड होते हैं। सीरोलॉजी में इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जैसे है, स्किन टेस्ट होता है, ओके। लिश मैनिन एंटीजन टेस्ट होते हैं, रिकवर्ड पर्सन के अंदर पॉजिटिव आता है जबकि एक्टिव केसेस के अंदर नेगेटिव आता है। इसके बाद लिशमेनिया ट्रॉपिकली, लिशमेनिया मैक्सिकाना, लिशमेनिया ब्रेजिलेंसिस है, तो यहाँ पे भी स्किन टेस्ट करते हैं, मास्टिगोट वगैरह देख लेते हैं, और हम प्रो मास्टिगोट लिशमेनिन टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। वही बात है कि जो स्किन के अल्सर है, लेकिन यहाँ पर जो स्किन अल्सर केसेस में पॉजिटिव आएगा जबकि ऊपर वाली केसेस में रिकवर्ड केसेस में पॉजिटिव आता था। टीनिया सोलिया में जो ग्रेविट प्रोग्लटेड होता है 5 से लेकर 10 प्राइमरी यूटेरियन ब्रांचेस होती है जबकि उसकी 15 से लेकर 20 होती है, ठीक है। यहाँ पर कहती है कि टीनिया सोलियम के अंदर हुकलेट्स होते हैं, इसमें हुकलेट नहीं होता टीनिया सर्जिनेटा के अंदर। डाइफलोबोथियम के अंदर अपरकुलेटेड एग्स होते हैं, ठीक है, जबकि ब्रूट कैप्सूल है जिसमें मल्टीपल प्रोटोस्कोलोसिस है, तो ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के लिए होता है। शिशुसोमा मैनसोनी के लैटरल स्पाइन है, जपोनिकम के स्मॉल लैटरल स्पाइन है, और हिमाटोबियम के लार्ज टर्मिनल स्पाइन होते हैं। इसके बाद क्लोनोर्किस है तो अपरकुलेटेड स्मॉल आएगा स्टूल के अंदर, जबकि पैरागोनिमस के अंदर भी अपरकुलेटेड एग्स होते हैं। एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस माइक्रोस्कोपिक एग्स पेरिनियल पेरिएनल रीजन से लेते होते हैं। एस्कैरिस में बाइल स्टेंड होते हैं, ओके। इसके बाद स्ट्रैंगुलाइट्स में लार्वा स्टूल में देखने को मिलते हैं। जो ईओजिनोफिलिया होता है, विक्टोरिया बैंक्रॉफ्टी में माइक्रोफिलारी होती है, थिक ब्लड स्मीयर के अंदर माइक्रोस्कोपिक, ऑन्कोसर्का के अंदर माइक्रोफिलारी होती है, लोअर लोब में भी माइक्रोफिलारी होती है, जो कि ड्रैंकुलस को वॉर्म्स इन स्किन अल्सर से डायग्नोस करते हैं। इसके बाद डर्मेटोफाइट है, डर्मेटोफाइट की माइक्रोस्कोपिक सेप्टेड हाइफी इन 10% के वजह माइक्रोस्पोरम है, उसको भी यूवी लाइट रेस वुड लैम्प से देखते हैं, सबरा डाइगर है। जबकि टीनिया वर्सिकुलर के अंदर सिगार शेप स्पोरोथ्रिक्स के अंदर होती है। टीनिया वर्सिकुलर और टीनिया नाइग्रा का भी यही है, यीस्ट और सेप्टेड हाइफी है, डाइमर्फिक होता है, ओके। डेसी शेप हाइपी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सबरा डाइगर पे देखने को मिलती है। कोकाइडियोट्स इमिटर्स के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए, लाइक माइक्रोस्कोपिक में सेफ्रियोल होते हैं, कल्चर में सबरा डाइगर होता है, तो सेप्टेड हाइफी और आर्थरोस्पोर देखने को मिलती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। रैपिड टेस्ट में पीसीआर, सीरोलॉजी में ट्यूब प्रेसिपिटेंट और कंप्लीट फिक्सेशन है, स्किन टेस्ट में कोकाइडिन और सेफ्रियोलिन है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के अंदर ओवल यूज होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर 10% की वजह है, कल्चर के अंदर सेबरा डाइगर है, तो वहाँ पे मैक्रोकोनिडिया देखने को मिलता होता है। कैंडिडा एल्बिकम का इंपॉर्टेंट है, कैंडिडा एल्बिकम की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो ग्राम पॉजिटिव बडिंग यीस्ट होता है, सूडो हाइफी होती है, कैल्को फ्लोर वाइट स्टेनिंग के अंदर। कल्चर करोगे सेबरा डाइगर के ऊपर तो टिपिकल यीस्ट कॉलोनी होती है, लाइक स्टाफिलोकोकस ओरी जैसी, जर्म ट्यूब होती है, क्लाइमेटस अपर होते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।